परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये तीनों छोड़ दो। अच्छा, ये तीनों शब्द किसी मूवी के डायलॉग से कहीं बढ़कर हैं। अब बात चाहे साजन के घर आने की हो, पिया को बुलाने की हो, या एक चुटकी सिंदूर की कीमत की हो, इंडियन वेडिंग्स का नमक मिर्च मसाला कभी भी फीका नहीं पड़ता, है ना। नमस्कार, मेरा नाम भूमिका है और रेडियो रोज़ाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और देखो, इंडियन सोसाइटीज़ में वेडिंग्स का क्रेज़ एंड दबदबा तो हमेशा से ही रहा है। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? मानते हो ना? देखो, बात पक्की होने से लेकर कपल का एक दूसरे का होने तक के पूरे सफ़र में कितने सारे मकाम चढ़ने पड़ते हैं। मतलब OMG, मतलब जन्मों लग जाते हैं उन मुकामों को पूरा करते करते, फंक्शंस को पूरा करते करते। और जब असली फंक्शन शुरू हो जाते हैं, देन ऑफ रोका, प्री वेडिंग, इंगेजमेंट, हल्दी, पोस्ट वेडिंग, रिसेप्शन, भाई कितनी लंबी लिस्ट है ना। और जब बात शो ऑफ करने की आती है शादियों में, तो उसमें तो ना जेंट्स कम है और लेडीज़ तो उसमें कम है ही नहीं। हैवी लहंगा, गाउन, ज्वेलरी, कोट, पैंट, शर्ट, चाहे गर्मी की शादी हो या फिर सर्दियों की शादी हो, सब कुछ चलता है, सब कुछ। क्योंकि बिना स्लेइंग के बेबो का आइकॉनिक डायलॉग अधूरा रह जाएगा ना। वो कैसे पूरा होगा आखिर, कि कौन है जिसने मुड़कर मुझे नहीं देखा। और ये तो नॉर्मल शादी की मैंने बात की अभी। और जब बात देखो बॉलीवुड की शादियों की हो, तो क्या ही कहने। अब आखिर उन्होंने तो ट्रेंड भी सेट करना होता है ना, वो जो चालू करेंगे वही तो हम लोग अपनाएंगे। रेड लहंगे से न्यूड कलर लहंगा, ग्रैंड एंट्री लाइक सुरभि चंदना गाना गाते हुए, है तमन्ना हमें हमें तुम सजाओ। कियारा का ये वाला पोज हो या फिर सोनाक्षी जहीर का अपनी शादी में खुल के बल्ले बल्ले करके नाचने वाला ट्रेंड हो, झूठ मत बोलो, हम इन सब को कॉपी करते हैं, राइट। और जब बात आती है बॉलीवुड की, द बिगेस्ट, द ग्रैंड वेडिंग की, तो रिसेंटली हमने जो देखी, कौन सी वेडिंग है, क्या कहा, आई हर्ड इट, राइट, या अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की ग्रैंड वेडिंग। 12 जुलाई 2024 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। और क्या शादी हुई है, मतलब आइकॉनिक हिस्ट्री है, दशकों सालों सड़कों सैकड़ों सालों तक याद रखी जाएगी। और क्या, देखो 2022 में हुआ रोका, 23 में हुई सगाई, 24 में हम सब जानते हैं कि एक के बाद एक कितने सारे फंक्शंस, और उन फंक्शंस में कितने महानुभावों की शिरकत, एक से एक महान कारोबारी से लेकर एक से एक बड़ा नया फिल्मी सितारा, बाहर तक के पॉप स्टार का आना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। सोचो ज़रा, ओफो, $5,000 मिलियन की शादी, लाइक कैन यू इमेजिन। जामनगर की प्री वेडिंग में पॉप स्टार रिहाना के ठुमकों का जलवा हो, जो हमने देखा 75 से 80 करोड़ रुपए देकर अंबानी जी ने दिए और उन्हें बुलाया गया। देन सेकंड प्री वेडिंग के जलवे तो और आसमानों पर थे, नहीं आसमानों पर नहीं थे, क्रूज़ पर थे। हाँ, 4 दिन के यूरोपियन क्रूज़ की सैर, बैक स्ट्रीट बॉय, कैटी पेरी और पिटबुल की परफॉर्मेंसेस, तो प्री वेडिंग तक तो ये हस्तियाँ जो बनी, मतलब कार्यक्रम का हिस्सा, रिहाना, जस्टिन बीबर, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, अब हॉलीवुड को कैसे भूल सकते हैं इतनी बड़ी वेडिंग में, बताओ। मतलब बताते हुए थक गई हूँ मैं भी, इतने बड़े बड़े नाम लेने की मेरी आदत है नहीं, इकट्ठे आँच ले लिए। तो लिस्ट में और भी नाम है, किम कर्देशिया, क्लोई कर्देशियन, जॉन सिना, डेविड बैकहम, माइक टेसन, प्रियंका चोपड़ा एंड निक जीजू। एंड यू नो व्हाट, फाइनली शादी हुई मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। मतलब दुनिया भर के अटेंशन और मीडिया की TRP आप ले गए, सब ले गए, लेकिन कितना कुछ दे भी तो गए। 2 जुलाई को सामूहिक विवाह का आयोजन करके कितनों की जोड़ी बनाकर आपने दिखला दिया कि अंबानी परिवार ने बना दी जोड़ी। देखो, अटकलें भी बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं कि क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। वैसे अटकलें यहाँ भी लगाई गई कि शादी लंदन में होगी कि कहीं सुदूर, कहीं किनारे कोने पर, कहीं बीच समंदर के बीच होगी, क्या पता, हु नोस, कि शादी होने वाली है तो कहाँ होने वाली। जब इतने सारे फंक्शन हो चुके हैं तो शादी का भी तो एक वो था ना कि कहाँ होगी आखिर, क्रेज़ होता है ना।
लेकिन अंततः ये साफ हो गया कि वेडिंग जो होगी मुंबई में होगी। अब शादी का सेलिब्रेशन भी एक नहीं दो भी नहीं, चला पूरे 3 दिन। 3 दिन तक एक वेडिंग का फैशन चला, बताती हूँ कैसे। 12 जुलाई की रात को शुभ विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें मेहमानों के लिए इंडियन ट्रेडिशनल कपड़ों की थीम रखी गई। 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गेस्ट को इंडियन फॉर्मल स्टाइल के कपड़े पहन के आने थे। और 14 जुलाई को मंगल उत्सव यानी कि वेडिंग रिसेप्शन रखा गया, और इसमें मेहमानों के लिए इंडियन शीक क्लोथ्स की थीम रखी गई। OMG, हाँ बड़े लोग बड़ी बातें, और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बातें। अच्छा तुमने याद भी नहीं दिलाया ना, सारी पिक्चर देख ली मतलब, लेकिन हीरोइन कौन है इसकी कुछ पता है कि नहीं? चलो मैं बताती हूँ, हीरोइन का नाम तो बताना ही भूल गए, मतलब जानते ही वैसे तो, राधिका मर्चेंट हीरोइन, बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी, जो कि हेल्थ केयर कंपनी इंकोर के CEO हैं। और इनकी नेटवर्थ बता दूँ 755 करोड़ है। 1994 में मुंबई में जन्मी राधिका ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इको में ग्रेजुएशन की डिग्री की पढ़ाई करके लौटने के बाद राधिका अपने पापा की कंपनी में एक्टिव रहीं। बात उनके शौकों की अगर करें कि उनके क्या शौक हैं, तो उन्हें स्विमिंग करना, रीडिंग करना, ट्रैकिंग करना, डांस का बहुत अच्छा शौक है। तो ये थी कुल मिला के महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और मैं क्या बताऊँ कि वाकई में वो एक अच्छी डांसर, हमने उनका डांस देखा हुआ भी है। अच्छा ये तो बात हो गई, मैंने टोटल बता दी कि शादी में क्या क्या हुआ, क्या क्या था। चलो अब अपने टेक की बात बता देती हूँ कि मेरा इस पर क्या मानना है, मेरा इस पर क्या सोचना है। तो ये तो कुल मिला के जो जो हुआ मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन एक तो द हाईलाइट, द चमक चौंध, द रॉयलिटी जो उन्होंने पेश करी, दैट वॉज वंडरफुल। मतलब हम कहाँ, हमारी मतलब कहाँ, इतना मन मान के रह जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, हमने पिक्चर्स देखी, मज़ा आ गया उनको देखे। लेकिन एक जो मुझे लगती है कि 2-3 हाईलाइट्स जो मुझे सबसे अच्छी लगी, पहला तो रिहाना का आना उनकी प्री वेडिंग फंक्शन में। रिहाना के जो ठुमके लगाए ना उसने यूं करके विद जानवी कपूर, और जानवी ने बोला अभी कपिल शर्मा शो में कि मुझे बहुत मज़ा आया जब उन्होंने कहा कि जानवी आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम, तो उसे अच्छा लगा। और दूसरा ये कि जस्टिन बीबर जब आया था, तो आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस न्यू थिंग, न्यू ट्रेंड, बट जो वो था ना, मतलब यू नो हाफ शॉर्ट्स दिखाना, लुकिंग अमेजिंग। और इसके अलावा मुझे क्या अच्छा लगा, बेबू आई थी, बेबू ने जो दिलजीत दोसांझ के साथ जो डांस किया था, दैट वाज अमेजिंग। और बाकी जो, हाँ याद आ रहा है, राधिका मर्चेंट का जो हल्दी वाला जो दुपट्टा था, दैट वाज प्योरली मेड ऑफ फ्लावर्स ओनली, वो भी बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत सुंदर था। तो ये कुछ मेन हाईलाइट्स थे जो मुझे लगता है कि मुझे बता देना चाहिए। और कुल मिला के वेडिंग में आपने बहुत खर्चा कर दिया, और इसके बीच जो आपने रिचार्ज महंगा कर दिया था, तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो रिचार्ज जो है वो शायद आपने मुझे लगता है कि शादी का खर्चा निकालने के लिए, क्या कुछ लोगों, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। देखो मुझे लगता है कि लोगों का ऐसा मानना है कि आपने इसका ऐसा इसलिए किया, लेकिन इट्स ऑल राइट, जब हर जगह महंगाई बढ़ रही है तो फिर इसमें भी हम बात चला ही लेंगे कम्प्लीटली, ओके। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि दे बोथ लुक सो गुड, सो क्यूट टुगेदर, साथ में बहुत प्यारे लगते हैं। कई सारे मीम भी वायरल हो गए, कितने सारे गाने वायरल हो गए ना, एक छोटा हाथी घूमने गया, पता नहीं क्या क्या। और एक जो वो एक जिसमें नीता अंबानी स्पीच दे रही है कि हमारे परिवार की बेटी ईशा, और मुझे लगता है कि वो अपने बेटे का नाम वहाँ पे भूल गई है, और जो वहाँ पे राधिका हंस रही है तो लुकिंग अमेजिंग, मतलब पता नहीं वो शायद उन्हें जानबूझ के क्यों कोई करेगा, शायद वो भूल गई होंगी। मुझे लगता है कभी कभी ऐसा हो जाता है इतना सारा जब दिमाग में काम रहता है। तो कुल मिला के वेडिंग वंडरफुल थी, और देखो इंडियन सोसाइटी में वेडिंग का कल्चर वैसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइप अप किया हुआ है ना हमने वेडिंग को लेकर। और बॉलीवुड की जो वेडिंग होती है तो उसके बाद में ट्रेंड सेट किया करते हैं, तो मुझे लगता है कि देखो एक तो ये हेल्दी वाला जो था ना वो फ्लावर वाला दुपट्टा, उसका ट्रेंड सेट होने वाला है। और मुझे लगता है कि शो ऑफ लोग और भी ज़्यादा शायद हो सकता है कि करने लग जाएं, अभी भी कम नहीं है वैसे तो, लेकिन मे बी ये चीज़ और कहीं बढ़ सकती है। बाकी कुल मिला के सब अच्छा था, मुझे इन्विटेशन नहीं आया, तो मुझे जो दूर दूर से लग रहा है तो वो सब मेरे लिए तो अच्छा ही था।
तो आपको कैसी लगी वीडियो और कैसी पसंद आई जानकारी, मुझे पता है कि अच्छी लगी होगी। तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके ही जाना देखो, और नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकॉन दबा देना एंड कमेंट ज़रूर कर देना कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं, और क्या क्या किस प्रकार की वीडियोस आप चाहते हैं, यू नो किस प्रकार की और मैं वीडियो बना सकती हूँ। आप मुझे अपना सजेशन यहाँ पे पूरा तरह से, आपको खुली छूट आप बता सकते हैं। इसके अलावा ये कह सकती हूँ कि अभी तो सावन चल रहा है, और मैं रिसेंटली एक शादी में गई थी, वहाँ भी मैंने देखा कि वाह कि पैसे खर्च हो तो शादी में हो, वरना और कहीं ना हो, लेकिन कुल मिला के अच्छा लगा, दैट वॉज गुड अमेजिंग। कीप इट अप, बाय बाय लवली पीपल एंड इन्जॉय। एंड में यही है सबका एक समाधान, इन्जॉय, जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं है। कुल मिला के एट द एंड आई वांट टू से इन्जॉय एंड बाय बाय। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।